जी नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं वो एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि सर बताइएगा कि कौन सी सियासी पार्टी जो है वो विन करेगी? नून लीग। अच्छा, नून लीग ही क्यों? हैगी पार्टी, वो बाकी पार्टी कोई नहीं। अच्छा नहीं, पीटीआई भी है और लबैक भी है, तरीके लबैक कोई नहीं, बाकी कोई पार्टियां छोटियां पार्टियां। अच्छा, नून लीग जीतेगी। एक और भाई हमारे साथ यहीं पे मौजूद हैं जी, रक्षे में। तो सर आप बताइए कौन सी पार्टी विन करेगी? नून लीग ही सर जी, नून लीग। अच्छा जी, ये भी नून लीग के फैन। नून लीग ही क्यों? नून लीग ना साडा वैसे बहुत प्यार है। अच्छा जी, नून लीग से इनका प्यार है, इसलिए जी हमारे साथ और भाई मौजूद हैं जी। आप बताइएगा सर कि कौन सी सियासी पार्टी जो है वो विन करेगी इस इलेक्शन में जो हमारा होने जा रहा है? जी मेरा नाम गुलाम अब्बास भट्टी है, ठीक है। यूसी नंबर 18 से मेरा तल्लक है, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शदाई हूँ, ठीक है। बिलाल अकबर भट्टी पर सारी जान सारे। अच्छा, यानी आप बिलाल अकबर भट्टी को वोट देना चाह रहे हैं? चाहे वो टिकट पे आए चाहे वो आजाद आए, शख्सी वोट सर ये देना चाह रहे हैं बिलाल अकबर भट्टी को। इनका पार्टी के साथ जरा काम ही कॉन्टेक्ट है। आप बताएं भाई, आप जो कौन सी पार्टी को लाइक करते हैं? मैं TLP को लाइक करता हूँ, बहुत अच्छी हो कम्प्रोमाइज कर। अच्छा, तहरीक लबैक, वो क्यों, क्या उसमें खासियत है? वो ये है कि सर ये सूद वाला निज़ाम ख़त्म करेंगे, ये गुर्बत वगैरह भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि दीनी निज़ाम आएगा इसलिए। हाँ जी, ये कहते हैं कि दीनी निज़ाम आएगा, सूद से पाक जो वो निज़ाम हो गया, इसलिए तहरीक लबैक वो जो है वो ये फॉलो कर रहे हैं और पसंद करते हैं। जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं सर बताइएगा कि कौन सी सियासी पार्टी जो है ना हल्का PP 232 में जो है आपके ख्याल में विन करेगी? तहरीक लबैक। क्यों? वो हमारी पसंद की है। अच्छा, वो आपकी पसंद की है? जी बिल्कुल जी, तहरीक लबैक इनकी पसंद की है, इसलिए ये उसको वोट देंगे जी। जी हमारे साथ जो है वो एक और भाई मौजूद हैं, शॉपकीपर हैं, बुक सेंटर है ये, इनसे हम पूछते हैं जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताइए। मोहम्मद उमर। अच्छा उमर भाई, बताइएगा कि आपके ख्याल में कौन सी पार्टी, सियासी पार्टी जो है इस इलेक्शन में विन करेगी? इंशाल्लाह PTI। अच्छा जी, PTI क्यों? बस PTI अच्छी है, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान जो है वो मुल्क को आगे लेके चलेगा? बिल्कुल जी, मैं यही समझता हूँ, इंशाल्लाह इमरान खान है जो इस वक्त मुल्क को बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके ख्याल में कौन सी पार्टी जो है वो विन करेगी इस इलेक्शन में? PTI इंशाल्लाह। अच्छा, आप भी PTI के सपोर्टर हैं? कोई एक खूबी जो जिसकी वजह से आप PTI को वोट देना चाहते हैं? बस इमरान खान हमें अच्छा लगता है, खूबियाँ उसमें काफ़ी सारी हैं, कौन कौन सी बयान करें? इमरान खान इन्हें अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा उसमें खूबियाँ हैं। नाज़रीन हमारे साथ जो है वो एक और भाई मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइए। अली रज़ा शाह। अच्छा अली रज़ा साहब, बताइएगा कि इस इलेक्शन में जो है वो कौन सी सियासी पार्टी जो है वो आपके नज़रिए के मुताबिक जो विन करेगी यहाँ में, जीतेगी? वो इंशाल्लाह PTI है जी। अच्छा PTI। PTI को क्यों लाइक करते हैं आप? PTI को इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि वो जो है उनका विजन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, गरीब आवाम के लिए उनका जो परफेक्ट है। जितने भी प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए थे, सास कफालत चलाया था, अपना पेट्रोल पे सब्सिडी दी थी, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दी थी, वो हर बंदे के लिए थी, फर्दन फर्दन नहीं थी, ठीक है। और गरीब लोगों का उन्होंने बड़ा इसमें अपना वो ख्याल किया है। अब सेहत कार्ड था उस पर मेरे जैसे आप जैसे और गरीब लोग थे वो इलाज करवा रहे थे, 10 लाख रुपए तक इलाज था, और मैंने खुद देखा है, अपने दोस्तों से सुना है और बिल्कुल प्रैक्टिकल भी किया हुआ है इस चीज़ पे कि वो बात जेन्युइन है कि हम जो लोग थे वो अपना सेहत कार्ड पे बिल्कुल फ्री इलाज करवा रहे थे, और मैं सास कफालत की खुद भी पेमेंट करता रहा हूँ, बिल्कुल शफाफ तरीके से हो रही थी, गरीब आवाम जो थी वो बिल्कुल पुरसकून की ज़िंदगी जी रही थी। अब जो है वो 50% जो है वो मार्च में महंगाई हुई है, उसमें गरीब भी पिसा है और जो सफ़ेद पोच है वो तो बिल्कुल ही पिस गए हैं ना। इस वजह से जो उनका विजन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए मैं उसे सपोर्ट करता हूँ PTI। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन आपने सुना, ये कहते हैं उनके जो है नज़रिए को वोट देंगे, उनके जो प्रोग्राम से सास कफालत था और इसके अलावा उनका जो सेहत कार्ड था, खिदमत कार्ड था, ये तमाम वो काम है जिसकी वजह से ये जो लोग हैं वो PTI को वोट देना चाहते हैं। जी नाज़रीन हमारे साथ एक और शॉपकीपर मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि आप इस इलेक्शन में जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं या किसको वोट देंगे? हम शहबाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं। अच्छा, नून लीग को वोट देना चाहते हैं, क्या वजह है उसकी? आदमी अच्छे काम अच्छे करते हैं। हाँ जी, आदमी अच्छा है जी, काम अच्छे करता है, शहबाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं।
जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और जो है वो मेडिकल स्टोर में हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम भाई से पूछते हैं कि बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, हम चौधरी वहीद ग्रेवाल को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और वो इमरान खान के सपोर्ट टिकट होल्डर हैं। अच्छा, एजाज सुल्तान बंदेशा जी, थैंक यू। ये जो है वो एजाज सुल्तान बंदेशा पीटीआई को सपोर्ट करेंगे जी। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हम जो है वो सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं हल्का पीपी 232 पे। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जी, फ्रूट रेडी पे खड़े हैं, तो इनसे हम पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा, आपके नज़रिए के मुताबिक या आपके मुताबिक जो है वो कौन सी सियासी पार्टी जो है इस इलेक्शन में विन करेगी? नवाज शरीफ करेगा जी। अच्छा जी, नून लीग, वो क्यों? बाजी उन्होंने हुकूमत असं जवान है। अच्छा, उस टाइम वक्त बहुत अच्छा सगा और महंगाई भी नहीं सी इन्नी हैगी। अच्छा, तो सूँ दो ही वक्त याद आ रहा है कि जो असी जवान से हूँ तो साड़ी उम्र ढल चुकी है। अच्छा, लेकिन हूँ उम्र के तकाजे नाल के महंगाई ज़्यादा हुई पई है। उन्होंने दौर के महंगाई नहीं सी इन्नी हैगी। अच्छा, तो हूँ महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई पई है जी। नाज़रीन, ये कहते हैं कि जो नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी, इसलिए ये नवाज शरीफ को वोट देंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं जी ये किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, दसियो कि कौन पार्टी ने तुसी वोट देना? असं किसी पार्टी ने वोट नहीं देना, दोवे चोर पार्टियां ने। दोवे तो मराद इमरान खान भी चोर, ये भी चोर जी। ये किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते जी। नाज़रीन, हम इस वक्त एक शूज़ की दुकान में मौजूद है, वहाँ से हम भाई से पूछते हैं कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, बताइएगा कि कौन सी पार्टी आपके ख्याल में या आपके नज़रिए के मुताबिक विनिंग पोजीशन में होगी इस इलेक्शन में? पीटीआई लग रही है मुझे। अच्छा, पीटीआई लग रही है। आप भी पीटीआई को पसंद करते हैं? पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी क्या वजह है? बस जैन मानता है कि पीटीआई यानी कि इमरान खान सही चलाएगा गवर्नमेंट। जी नाज़रीन, इनका जहन इस बात को मानता है कि इमरान खान जो है वो गवर्नमेंट सही चलाएगा। नाज़रीन, हम इस वक्त जो है वो माछीवाल एक जनरल स्टोर पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये हमें बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपके ख्याल में जो है वो कौन सी पार्टी विन करेगी, आप किसको सपोर्ट करते हैं? इमरान खान को। अच्छा, इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं? उसने काफ़ी सेहत कार्ड बनाए, गरीबों के लिए बहुत सारी अच्छी हैं जो सहूलतें दी हैं, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं जी, उन्होंने जो सेहत कार्ड बनाया और गरीबों को उन्होंने बहुत सी फैसिलिटीज़ दी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये भी भाई जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों करते हैं? हाँ जी, वो अच्छा लीडर है। अच्छा जी, इमरान खान जो है वो अच्छा लीडर है, इसलिए उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा प्यारे भाई, बताइएगा कि आप इस इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई। अच्छा, पीटीआई ही क्यों? बस अच्छी लगती है, पीटीआई जो है इनको अच्छी लगती है, इसलिए ये पीटीआई को वोट देना चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आप बताइएगा आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं? पीटीआई को। अच्छा जी, ये भी पीटीआई को वोट देना चाहते हैं जी। अजी नाजी, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं जी ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी, मैं तो खान साहब को सपोर्ट करूंगा, मेरी पार्टी पीटीआई है और मेरा नाम मोहम्मद वकास है। अच्छा सर, क्यों खान साहब ही को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? वो जो भी कहते हैं सच बोलते हैं, उनकी सच्चाई की वजह से मैं उनका कायल हूँ, सीधी बात है ये जी। उनकी पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते हैं और इमरान खान की सच्चाई की वजह से उनके कायल हैं। नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अच्छा, नून लीग को सपोर्ट करेंगे, वो क्यों? अच्छी पार्टी है, सियासी पार्टी है। अच्छी पार्टी है, सियासी पार्टी है, इसलिए नून लीग को सपोर्ट करेंगे। अजी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कौन सी सियासी पार्टी को आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं या वोट दें? टीएलपी को। टीएलपी को तहरीके लगता है, वो क्यों? वो ये पार्टी है हमें लगता है जो पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकती है। जी, तहरीक लबैक को ये जो है वोट देना चाह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि ये पार्टी ऐसी है जो पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकती है। अजी, एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं ये कौन सी पार्टी को वोट देंगे? अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा सर दसियो के केड़ी पार्टी ने वोट देना? ओ इमरान खान की पार्टी। अच्छा जी इमरान खान की पार्टी को वोट देना सर। अजी नाज़रीन एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर बताइएगा कौन सी पार्टी को आप वोट देंगे? हमने नून लीग को वोट देना है क्योंकि नून लीग ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत कुछ किया है, आटा फ्री दिया है, हैं और बहुत नून लीग को ही हम शुरू से ही वोट दे रहे हैं। अच्छा ये नून लीग को शुरू से ही वोट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने आटा दिया और पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया। अजी नाज़रीन हमारे साथ चंद दोस्त बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या कौन सी पार्टी को वोट देंगे। ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बताइएगा कि कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं सिलेक्शन? अरे भाई हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि ये सभी चोर हैं। अच्छा सारे चोर ने एक नहीं है, ना नून लीग वाले हाजी हैं, ना पीटीआई वाले हाजी हैं, ना जमात इस्लामी वाले हाजी हैं, सारे के सारे मुफाद परस्त हैं, अपने मुफाद की खातिर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। किसी को पाँच पैसे का ये मुफाद ना दे सकते हैं ना देते हैं। इन्होंने को मुफाद देना होता है तो अपने ख़ानदान में देते हैं, किसी को नहीं देते ये मुफाद। ना ये किसी की बेहतरी कर सकते हैं, ना ये किसी के लिए बेहतर सोच सकते हैं, ना आवाम के लिए इनके दिल में कोई दर्द है। या मैंने वो पॉलिटिशियन देखे हैं कि एक हमारे करीबी दोस्त हैं, उसका बेटा बहुत हो गया तो 2,00,000 रुपए उस मरने वाले के बेटे के भी वसूल कर लिए उसने। अच्छा ये हालात है। आप किसको सपोर्ट करेंगे? आप जिसका बेटा मर गया दुख तो उसको है, तो आप उसके मरे हुए बेटे की भी कीमत वसूल कर रहे हैं, आप में इंसानियत तो ना हुई? मुल्क के मफाद में नहीं है ये, अपने मफाद ना इनका कोई, ये मुल्क के मफाद की खातर इलेक्शन लड़ते हैं, ना ये अवाम के मफाद की खातर लड़ते हैं। ये तो अपना वो काला धन सफेद करने के लिए लड़ते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया है, इसको हजम कर लें। ये सारे नेचरली, कोई एक नहीं है, ये सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं। सबसे अच्छी गवर्नमेंट जो हमने देखी है ना, 53 साल मेरी एज है, मुशर्रफ का दौर देखा है जिसमें गरीब आदमी एक्सेल्टेड हुआ है, वो साइकिल से मोटरसाइकिल पे आया। उसके दौर में हर गरीब आदमी के घर के सामने 2-4 ईंटें ज़रूर लगी हैं। उसके बाद कोई मुझे, आप बता दें, आप भी ये चैनल से हैं, आप भी सारा कुछ देखे हैं, आपने कहीं देखा काम हुआ? जी नाज़रीन आपने बातें सुनी, बातें तो सच हैं कि हमारे जो है ये तो तमाम ही सियासतदानों को जो है वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है वो ठीक नहीं है। हाँ सिवाय एक मुशर्रफ का दौर है जहाँ पे कोई सड़कें वाकई उन्होंने बनाई हैं, यानी 2-4 सड़कें हैं और यानी मुल्क में नज़र आएगा आपको। उनके दौर में जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर आदमी था उसकी दिहाड़ी बड़ी थी, अब फिर वो बेचारा 500 रुपए में मजदूरी ढूंढ रहा है। वो चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, क्या करेगा? अपने बच्चों का तो पेट पालना है ना, उसने नहीं पालना। जी मुशर्रफ का दौर ये कहते हैं कुछ अच्छा गुजरा है, बाकी जो तमाम दौर हैं वो हमारे सियासतदान जो अच्छे नहीं हैं। जी नाज़रीन हमारे साथ एक और जो है वो सीट कोशिश कर रहे हैं आप, ये मजदूरी हम इन्हें कहेंगे, ये मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे सर आप? हम इस वक्त भाई किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारी 21 साल उम्र हो चुकी है, क्योंकि जो भी आता है वो सिर्फ अपने खजाने भरने की सोचता है, गरीब का कोई भी नहीं सोच रहा। सही है, इमरान खान आया, नवाज शरीफ आया, जो भी आ रहे हैं ना, वो कोई भी गरीब का नहीं सोच रहा है, क्योंकि गरीब का सोचे कोई हमें समझे, हम उनका समझे, जब वो आगे आप नहीं सोच रहे तो हम क्या सोचें उनका। जी नाज़रीन जो हमारा गरीब तबका है वो तमाम सियासतदानों से जो है वो मतनफ़र है, इसलिए कि वो कहते हैं, ये भाई कह रहे हैं कि वो हमारा नहीं सोचते, ये तो यहीं पे जो है ना मजदूरी कर रहे हैं। और ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि हुक्मरान वही अच्छा होता है जो अपनी आवाम का मेयार ज़िंदगी जो है वो बुलंद कर दे। मैनू पसंद आ गया इमरान। जी नाज़रीन हमारे साथ एक बुज़ुर्ग जो हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं हमारे साथ, इनसे हम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी मैं इमरान खान को वोट देने? अच्छा इमरान खान को वोट देना? हाँ अच्छा मैं इमरान खान को वोट देना, मैं अपने हक थे। अच्छा। क्यों ये ना मसले कई ने, असी कमज़ोर नहीं, असी कमज़ोर नहीं किसी के मुकाबले, मेरे नबी ने मुकाबला नहीं है,
मौला अली ने मुकाबला डट के किया, मौला अली ने मुकाबला डल के किया, मौला हसन ने मुकाबला डल के आया। अच्छा उन्होंने लोगों ने डट के मुकाबले किए ने जो दुनिया वाले दीन के मालिक ने है अज तक ना जदों तक मैं आया है इन्हों 12-30 साल हो गए इन्हों आद्या इन्होंने कभी भी अली तो नबी का नाँ नहीं लिया ना ना कुरान का नाँ लिया है। जदों भी वह खलोता है ना शेर का पुत्र उन्हें नबी का अली का नाँ लिया है, कुरान का नाँ लिया है। साडा दीन है, साडा ईमान है। मैं वोट कहाँ देना है, है? असी हक ते और सच ते बोलने वाले बंदे हाँ, असी हक आले पास जाना ना हक आले नहीं। असी अपना उन्हें बेईमाना लोगों की क्यों असी गुलामी करिए, यहूदियों की असी उन्होंने ईसाइयों की क्यों गुलामी करिए, है? सानू मालिक ने की नहीं दिता इस दुनिया के बच्चे ये अज है जिमें पाकिस्तान के रिजके इवें तक पूरी दुनिया से नहीं होना जिन्ना साढ़े को अब इन्ना रिजक साढ़े को साड़ी कौम नहीं ठीक है जी। अब इंशाल्लाह वा फसले खुदा इमरान खान दो अपना तीन त्याई तो जुतेगा। अजी नाज़रीन बुज़ुर्गों की आपने बातें सुनी, वो कहते हैं कि जो पिछली हुकूमत थी 30 साल उन्होंने हुकूमत की है, किसी नबी का नाम, किसी अली का नाम, कोई भी इस तरह का उन्होंने मामला का नाम ना कुरान का नाम ना हसन का नाम लिया है। ये बात करता है इस्लामोफोबिया की, इमरान खान के ये सपोर्टर हैं जी, तो आगे भी जो है ये वोट देना चाह रहे हैं इमरान खान को जी। जी नाज़रीन एक और मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं राह चलते, इनसे हम पूछते हैं भी ये किसको सपोर्ट करेंगे जी, आप बताइएगा सर आप वोट किसको देंगे। पैक को वोट देंगे जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम बाबे खादम हुसैन रजवी के इंशाल्लाह सपोर्टर हैं। त्रिकला पैक को क्रेन को वोट देंगे और इंशाल्लाह दीन वाला काम जो करेगा हम उनके साथ हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कतब नबूवत पर पैरा दे रहे हैं, हम इंशाल्लाह उनको सपोर्ट भी करते हैं और वोट भी देंगे और माल जान के साथ उनके साथ तामन भी करेंगे। जी नाज़रीन ये कहते हैं हम तहरीक लबैक को वोट देंगे क्योंकि वो दीन का काम जो है वो अच्छा कर रहे हैं। जी हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, ये हमें बताएंगे ये किस पार्टी को जो है वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी बुज़ुर्गो। हाँ जी। अच्छा बुज़ुर्गो दसिए कि पार्टी को वोट देना सी। अजय जी जो इलेक्शन आएगा, जनरल इलेक्शन आएगा, फिर पार्टियाँ आनगियाँ, फिर देखेंगे भी कि पार्टी वोट देना। अच्छा जी, अभी इनका जो है वो कोई माइंड सेटअप नहीं है कि वो कहते हैं भी अभी जब आएंगे लोग तो फिर देखेंगे अभी किसको वोट देना है। हमारे साथ दो बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम पूछते हैं कि भी ये किसको वोट देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बुज़ुर्गो। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बुज़ुर्गो दसियो किनू वोट देना जी। असी जी मौलवियां देना जी। तहरीके लबैक यानी? हाँ जी बिल्कुल, तहरीके लबैक नु देना। अच्छा तहरीके लबैक को क्यों वोट देना है आप? हमारा वोट है, हम जितन मर्जी इस्तेमाल करें। हाँ नहीं ठीक है जी, इनका वोट है, ये जिनको मर्जी दें। हाँ ठीक हो गया जी, तरीके लबैक को जी इन्होंने वोट देना। बुजुर्गो तुसी किन वोट देना? तरीके लबैक ने। अच्छा जी, ये दोनों जो बुज़ुर्ग हैं वो तरीके लबैक को वोट देना चाहते हैं। हमारे साथ सर एक और भाई मौजूद हैं नाज़रीन, इनसे हम बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर दसियो कि पार्टी तुसी वोट देना? ओबियसली सर असी पीटीआई सपोर्ट करांगे। अच्छा जी, पीटीआई को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? सर इमरान खान की वजह से। इमरान खान की वजह, ये इमरान खान की वजह से पीटीआई को वोट देना चाहते हैं जी। हमारे साथ जो हैं वो एक पेंचर लगाने वाले भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये किस पार्टी को वोट देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाई जान दसना केड़ी पार्टी नु वोट देना? बाजी जेड़ी आज असि उन्हें कबूल करने हैं। अच्छा जी, जेड़ी भी आज पार्टी। नहीं कोई एक पार्टी तो होगी जिन्हें तुसी वोट देना? बस साडे पर सारियां ठीक ने। हाँ जी सारियाँ बिल्कुल जी बिल्कुल जी। नाज़रीन इनके लिए जो वो कहते हैं अभी सारी पार्टी ठीक है, जो मर्जी आ जाए, हमने तो मजदूरी करनी है, हम मजदूरी किए जा रहे हैं जी। नाज़रीन हमने आपको पीपी 232 का सर्वे करके बताया कि यहाँ पे जो है वो कौन सी सियासी पार्टी जो है वो विन करेगी। आपने सुने हर तबके के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने आपको बताया कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम और ये सर्वे आपको पसंद आएगा। इसी के साथ अपने होस्ट शेख कामरान फैसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।